बहुत आराम से। व्हीकल कोई सा भी हो, ट्रस्ट तो जब तक भगवान का हाथ होता है सारी चीजें ओके हैं, और जब तक नहीं होता तो कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। कितनी बढ़िया लोकेशन मिली वहाँ। टाइम हो गया है 8:05, और हम यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में रुके हैं, और यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट के लिए ऑर्डर दे दिया है, और दिया है गोभी पराठा एंड पनीर पराठा, वही सबसे बेस्ट है। और धूप यहाँ पे बहुत अच्छी निकली हुई है, मज़ेदार, थोड़ी ठंड कम लगेगी। और फिर आगे चलेंगे श्रीनगर की साइड, तब तक हम यहाँ पे वेट करते हैं जब तक हमारा ब्रेकफास्ट आता है। एक एरिया यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, और थोड़ा सा जो ग्रीन एरिया है इधर की साइड, ग्रीन एरिया में बाहर ओपन में अगर किसी को ब्रेकफास्ट वगैरह करना हो तो बाहर टेबल्स भी पड़ी है, लेकिन इस टाइम ठंड बहुत है तो उधर की साइड सिमिलर ही है, उधर की साइड भी बाहर ओपन में है और अंदर भी है। फाइनली हमने बाहर वाली टेबल चूज़ कर ली है, जहाँ से रोड का व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, और इधर से इधर तक का मैंने भी अपनी थोड़ी सी हालत ठीक कर ली है कॉम करके, और मैं भी यहीं पर बैठी हूँ। कितना अच्छा है कि धूप भी है, खुला भी है, रोड भी है, नदी भी है, बस में पहाड़ भी है, क्या नहीं है यहाँ पे है। और मैं और तुम तो है, हम दोनों साथ में तो लाजवाब बात है। इधर तो सूरज देर लाइट तो आँखें ही नहीं खुल रही है। नाश्ता आ गया है और खाना भी स्टार्ट कर दिया है, मैंने भी दो तीन बाइट खा लिया, फिर थोड़ी सी ब्रेकफास्ट स्टार्ट की है, दही पिकल एंड पराठा। ब्रेकफास्ट होने के बाद अब बस हमने डिसाइड कर लिया है अब हम आगे कहीं नहीं रुकेंगे, रास्ते में अगर भूख भी लगेगी उसको अपने अंदर ही थाम के रखेंगे, क्योंकि अभी जोजुला पास जब तक उसको क्रॉस नहीं करते, क्योंकि बहुत 2:00 पे दिखा रहा है हमारा पहुंचने का टाइमिंग, और जैसे ट्रैवल में थोड़ा बहुत कहीं इधर टॉयलेट वगैरह के लिए रुक जाते हैं तो उसमें भी थोड़ा बहुत टाइम जाएगा, तो लगा फंसा टाइम रहेगा, और 3:00 से पहले हमें उसे क्रॉस करना है, नहीं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें इधर ही रुकना पड़ जाएगा कारगिल साइड। तो हम नहीं सोचे कि हम इधर की साइड रुके, आगे श्रीनगर में ही रुकना है हमें। और हमारे साथ साथ ये नदी बह रही है, और बहुत ही मतलब नदी के साथ साथ जो रोड होती है उसका ट्रैवल कुछ यूनिक होता है, बहुत पसंद आता है मुझे ऐसे व्यू, पहाड़ साइड में नदी और बिल्कुल क्लीन चिट रोड, कोई ढल का वो नहीं है, कोई गड्ढा नहीं है, बिल्कुल प्लेन हाईवे वाली रोड मतलब, और यहाँ पे दूर दूर तक कोई है नहीं है, ट्रैफिक भी नहीं है। मैं भी आ रही हूँ आपके पास, अब हमें यहाँ से नदी से पानी लेना है। लॉक तो कर दी थी ना, आप कोई जोर नहीं भाई, यहीं खड़े रहने साथ ही रहना, मैं आपके साथ आ रही हूँ, सोनी इससे नीचे नहीं आना ना। अच्छा मैं आपको यूं ही छोड़ दूँ? छोड़ दूँ क्या, ऐसे उतरा छोड़ना चाहता सोनी, आराम से उतर जाएगा, नहीं बहुत गहरा है बेबा, बहुत गहरा है और पानी का बहाव भी बहुत तेज है, बैठ गया भाई मैं, कितना ठंडा पानी। बहुत आराम से, मैं आऊं नीचे को थोड़ा सा, चलो रुको एक मुझे दे दो तभी तो चढ़ पाओगे, चढ़ो चढ़ो तुम चढ़ो। चलो चलो और पूरे रास्ते में भाई सबसे बढ़िया व्यू देखो आप, व्यू वाओ, मतलब कितनी बड़ी नदी है ये नहर भी नहीं है, नदी है प्रॉपर पूरी बड़ी, और काफी बहाव है, बहुत अच्छा बहाव है इसका, मजेदार है भाई। और अभी इसी के बराबर बराबर में हम लोगों को चलते रहना है, तो चलो चलते हैं बढ़िया से रोड के रास्ते पे। सोनू भी तैयार हो गई अपनी वीडियो बनाने के लिए, मजा आता है यार ऐसे ऐसी चीजें रास्ते में देखना, कितना बढ़िया रास्ता है। जो लोग हमारे साथ आने वाले थे जो नहीं आ पाए भाई वो मिस करेंगे सब चीजों को यकीनन। ये देखो सेफ्टी के लिए कहां कहां पे कौन कौन सी मिसाइलें लगाई हुई, मिसाइलें नहीं है तोप है।
अरे मुंह से निकल जाती है कभी कभी, बोलना कुछ चाह रहे हैं और दिमाग में जब चार चीजें चलती रहती है, हाँ, ये होता है। तो यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा एरिया है ये भी। अभी एक सिंगल पहाड़ था, एक बहुत ही ऊंचा, वो था हमारा सीन, निकल गया। रोड खत्म है ये, और नज़ारे। ये तो बोर्ड भी हवा की वजह से टेढ़ा हो गया, सारी चीज़ यहाँ लिखी हुई है किलोमीटर्स में। और रोड मुझे लग रही है बिल्कुल अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ही अभी बनी है, और बहुत ही अच्छा व्यू है। इधर देखूँ तो अच्छा है। व्हीकल कोई सा भी हो, ट्रस्ट तो जब तक भगवान का हाथ होता है सारी चीज़ें ओके हैं, और जब तक नहीं होता तो कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। अभी महिंद्रा की XUV 300 ये गाड़ी है, और इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है अचानक से चलते चलते, और ट्रैवल भी ऐसा है, आप देख ही सकते हो कहाँ पर हैं हम। और हमारे साथ ये रेस्टोरेंट में पीछे मिले थे फैमिली, ये गाज़ियाबाद से हैं, और इनकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो अभी हमने जो नीचे नदी से ठंडा पानी भरा था वो एक बोतल तो इन्हें दे दिया है, इनकी गाड़ी में यूज़ हो जाएगी। थोड़ा सा तो इन्होंने डाल लिया है, काफ़ी हीट हो गई है गाड़ी, तो बंद हो गई है। और देखते हैं बस अब क्या है, बोला है कि आधा किलोमीटर और चला के फिर दोबारा पानी वानी चेक करना पड़ेगा। माय गॉड, सीरियसली क्या व्यू है भाई, वाह। ये देखो, इसको कहते हैं रास्ता, ये तो कुत्ते ही जहर वाला रास्ता आ गया भाई। अगर आपने ये वाली रास्ता नहीं देखा ना, मजेदार, आप मिस कर जाओगे। इतना सुपर रास्ता है भाई, बहुत ही बढ़िया, अल्टीमेट। मतलब दो पहाड़ियों के बीच से ऐसा लग रहा था ना कि भाई हम कहाँ बीच में घुसे जा रहे हैं, बहुत ही सुपर। और ये तो पूरा का पूरा रास्ता ही ऐसा है, कमाल है यार। तो जर्नी का सबसे बढ़िया पल तो ये आ गया दोस्तों, इस तरह के पठार, ये पठार है देखो, सूखे बिल्कुल, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल सूखे पहाड़, तो इनको पठार बोलते हैं। तो इस तरह के पठार आपको ले वाली ट्रिप में ही मिल सकते हैं भाई, और तो कोई वैसे है नहीं, हर जगह हरे भरे पहाड़ आपको मिलेंगे, सूखे पठार ही मिलेंगे। और इन पठारों का मजा भी कुछ और, आप देखो सड़कों पे पत्थर जो है वो गिर रहे हैं, कहीं से भी टूट के गिर जाएंगे, तो ये भी थोड़ा सा देख के गाड़ी चलानी चाहिए कि भाई कहीं से भी कुछ भी पत्थर गिर सकता है आपकी गाड़ी के ऊपर। ये देखिए, सेफ एंड साइड उसी हिसाब से चलाओगे तो दिक्कत नहीं है इन रास्तों पर। बढ़िया रास्ते यार, बहुत ही अल्टीमेट रास्ता है, जो भाई जिसका मन कर जाए ना इस वीडियो को देखने के बाद, इन वीडियोस को देखने के बाद, तो भाई जरूर एक बार ले का प्लान कर लेना। आपको एक हफ्ते में आना जाना कर लोगे दिल्ली से, इतना मैं आपको लिख के देता हूँ। और अभी जो है हम लामा यूरू नाम की एक जगह है, वो ले के अंदर पड़ती है, और ये 12,000 से ऊपर की फीट की ऊंचाई पर है। हम अभी इतनी ऊंचाई पर घूम रहे हैं सड़कों पर, अभी श्रीनगर जा रहे हैं, और अच्छा लग रहा है। वैसे तो जहाँ पहले रुके हुए थे 15,000 की फीट पे, और बाकी भी बहुत जगह 15-12 यही थी, अभी तो 12,000 फीट ही था, 15 थोड़ा ही है, 15-17 भी होके आई हो तुम तो। वो तो चलो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे थे ही हम उस टाइम, हमने वहाँ तो हम 5 मिनट से भी कम में ही रुके और तुरंत वगे आए थे, क्योंकि हमें पता था कि क्या हो सकता है। यहाँ पे इतना अच्छा मुझे एक मिल गया कि यहाँ पे वीडियो और फोटो शूट किया जाएगा, और बहुत ही अच्छा व्यू है, सफ़ेद पहाड़, रेत वाले पहाड़, सब तरह के पहाड़। चारों तरफ दिखा देती हूँ, और हमारी गाड़ी उधर है, ये सब तरह के पहाड़। इतनी बढ़िया लोकेशन मिली वहाँ, सोचा कि वहाँ जाके फोटो खींचते हैं, और हमें ऊपर का जो नज़ारे है ना वो भी बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ से ये फोटो तो यार बनता ही है। और वैसे भी जहाँ मौका मिले तू ही बजा ले हॉर्न पहले, जहाँ मौका मिले वहाँ फोटो खिंचा लेने चाहिए भाई, क्योंकि ये फोटो याद रह जाती है बाद में। और सही में लोकेशन है भी बड़ी मस्त, हाँ और ये बहुत ऊंचाई पे है भाई, सीरियसली यहाँ से तो ये देखो, वाह बताओ, उधर से किधर से, वहां से, और अब पता चलता है कितनी दूर आया है। सोनी जल्दी आओ फोटो खींचना हो तो,
बर्फबारी सॉरी चल रही। ये काफी ऊंचाई पे है। ओ माय गॉड, ओ तेरे, ये देखो सीरियसली भाई रोड सारी सारी रोड। बताइए हम लेह टू श्रीनगर वाले रास्ते पे ट्रैवल कर रहे हैं और बहुत सारा एडवेंचर भी आप सभी को देखने को मिल रहा है। और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कारगिल वॉर मेमोरियल की, तो चैनल पे बने रहिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए सभी अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो फिर जल्दी से लेकर आती हूँ। टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, अगर लेह लद्दाख से जुड़ी हुई वीडियो से रिलेटेड शॉर्ट वीडियो और फोटोज़ देखने हैं तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट सोनी तोमर पे जाकर देख सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं।